जन अधिकार पार्टी जरूरत के समय जरूरतमंद को सहयोग के लिए तत्पर। मधुबनी जिले में जन अधिकार पार्टी के नेता जरूरतमंद के सहयोग करने में तत्पर दिखाई देते नजर आ रहे हैं। इन नेताओं का मानना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है मालिक। आजकल अपने क्षेत्र में लगातार चर्चा में बने हुए जाप के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव, जहां झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हर एक किसी पीड़ित परिवार को जरूरत के समय मदद पहुँचाते रहते हैं। मालूम हो कि पिछले दिन उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में बस दुर्घटना में मौत की नींद सो गए शिवधारी सदाई की पत्नी को पार्टी राहत कोष से 1,00,000 का नगद राशि भेंट किए थे। वहीं पिछले दिन भेजा थाना क्षेत्र के टेंगराहा गांव में आग लगने से एक ही परिवार के 3 घर जलकर खाक हो जाने पर प्रभावित परिवार को भी राहत कोष से मदद पहुंचाई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी बस दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड कोसी दियारा इलाका अंतर्गत दुरालख गांव वार्ड नंबर 2 किशुन लाल मुसहरी का रहने वाला विजय कुमार सदाई, पिता बद्री सदाई को भी जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष सुभाष यादव के द्वारा पार्टी राहत कोष से 5,000 रुपया नगद राशि सहयोग स्वरूप भेंट किया गया। ये नेता अपने आलाकमान पप्पू यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए जरूरत के समय जरूरतमंद के घर पहुंचकर जहां उनका दुख दर्द बांटने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पार्टी राहत कोष से आर्थिक सहयोग कर मानवता का परिचय देने में किसी से पीछे नहीं है। बीएनपी न्यूज़ के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। यहां आए थे क्या कारण था? कुछ समय पहले पता चला था कि बाराबंकी में जो उत्तर प्रदेश में बस दुर्घटना हुई है, तो उसमें कुछ लोग जो मृतक हो गए थे वो तो चले गए थे, जो गंभीर रूप से घायल थे उनका इलाज चल रहा था। तो यहीं पे एक हमारे द्वालक में द्वालक पंचायत में एक बच्चा जो था 12-13 साल का, उसका इलाज चल रहा था। तो अभी वो सकुशल जो है अपने घर पे लौटे हैं, तो उनसे मुलाकात करने आए थे। कुछ राहत आपके पार्टी? हाँ, उनको अभी जो है उनके खाने पीने और दवाई के लिए जो है मैं तत्काल 5,000 रुपये की आर्थिक मदद किया हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुभाष यादव, जिला उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी झंझारपुर।